एक्सपेक्टेड क्वेश्चन टाइप जो है जो प्रोडिक्शन है जिसके हिसाब से ये वाली रीडिंग आपके लिए बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगी अगर आप ध्यान से इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो लाइक like जरूर करना बिकॉज आई एम रियली श्योर डायर की आपको इसके बाद ये सब समझ में आ जाएगा कमेंट करके जरूर लिखना कि आपको यह समझ में आया या नहीं आया और कैसा क्वेश्चन टाइप कल आ सकता है उसको सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका बता रही हूँ राइट सो स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास पैसेज है एट वर्क एंड हाउ टू डू दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन का क्वेश्चन आ जाता है और कल इसके चांसेस है मॉर्निंग और इवनिंग स्लॉट किसी एक में आने के सो so, अगर इसके चांसेस हम देखें मैक्सिमम uh, है तो हमें इसको पता होना चाहिए कि कैसे करना है जो हमने करने हैं सी का आंसर ऑलरेडी नाइन्थ दिया हुआ है हम उसको पहले से स्ट्राइक आउट कर लेंगे आपको करने का तरीका सिर्फ दो तीन पैराग्राफ्स बताती हूँ ताकि आपका भी ज्यादा टाइम वेस्ट ना और आपको समझ में भी आ जाए सो so, ये लिस्ट ऑफ हेडिंग्स है दीज आर एट एंड नाइन

पैराग्राफ ए हम सबसे पहले देखेंगे कौन सा है या फिर चलो रैंडम करते हैं सी हुआ है हम डी पे चलते हैं चलिए नाउ अभी यहाँ पे क्या लिखा है द रोबोस प्रिंसिपल जॉब मैं रैंडम आपको बता रही हूँ कि कैसे करते हैं सपोज आपको डी पैराग्राफ इजी लगा आपने वो निकाल लिया ठीक है ये आपके पास हेडिंग है पहला लाइन में क्या लिखा है द रोबोस प्रिंसिपल जॉब अभी की मार्क करो प्रिंसिपल जॉब है शिफ्ट करना है फिर अराइव एट द प्लांट उसके बाद इमर्ज करता है फिर एंड सम टाइम लेटर फिर साइज उसका डिसाइड होता है फिर पब्लिक ऑफर जो ऑर्डर होता है वो डिटर्मिन होता है इंफॉर्मेशन पंच होती है और एल को प्रोग्राम करते हैं ठीक है थीके? जब हम ये सब कर लेते हैं उसके बाद हम क्या करेंगे एल जी बी कलेक्ट करते हैं अप्रोप्रिएट साइज और टेक दम वेयर राइट वंस यू हैव डन दिस अभी करना है एलिमिनेशन मेथड एलिमिनेशन मेथड में यहाँ पे क्या लिखा है रोबोस के बारे में है बट वर्क के बारे में भी है जॉब इज ऑल्सो वर्क तो ये हो सकता है लेकिन टुगेदर वर्ड सारे रोबोस इकट्ठे काम कर रहे हैं ये पूरे पैराग्राफ में, में नहीं मेंशन सो इसको क्रॉस कर देंगे उसके बाद प्रिपेयरिंग हम एलजीवी एलजीवी एल भी होते हैं उनको टेक ओवर कर रहे हैं टेक ओवर की बात नहीं हुई क्रॉस कर दो लुकिंग अहेड मतलब फ्यूचर की बात है फ्यूचर की बात यहाँ पे नहीं हो रही है क्रॉस कर दिया एल जीवी का प्रिंसिपल दैट इज मेन जॉब मीन्स फंक्शन तो ये हो सकता है इसलिए इसको टिक कर लेंगे आगे लोकेशन न्यूज़पेपर की बात नहीं हुई टेक्नोलॉजी और न्यूज़पेपर इकट्ठे नहीं आए न्यूज पेपर की बात हुई है बट पब्लिशिंग uh, की बात हुई है प्रोडक्शन की बात नहीं हुई है उसके बाद न्यूज पेपर को प्रिंटिंग सेंटर कैसे लेके जाना इसकी बात नहीं हुई मेन फंक्शंस एंड प्रिंसिपल जॉब उसका आंसर आ जाएगा राइट दिस इज द वे डेफिनेट वे और आसान तरीका है कैसे हम इसको ढूंढ सकते हैं उसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट लेके जाऊं तो दिस इज ई पैराग्राफ ई e पैराग्राफ का चेक करें कैसे आएगा वन ऑफ द फोर रोबोज फोर में से कोई एक रोबो जो है वो मूव इन वो आगे जाता है उसको स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है वो ट्रिम करता है पेपर को उसके बाद रिक्वायर्ड द रील लोडेड डायरेक्टली इफ नॉट नीडेड इमिडिएटली एन एल जी एक और एल जीवी उसको स्टोरेज एरिया में लेके जाता है फिर एन एल जीवी लेके मतलब एक और एल जी उसको लोडिंग एरिया में लेके जाता है उसको लिफ्ट करते हैं और another LGV, मतलब उसको कलेक्ट और डिपोजिट करता है सो वन टू थ्री एंड फोर फोर जो रोबोज है वो काम कर रहे हैं सो रोबोज वर्किंग टूगेदर करेक्ट टेक ओवर की बात नहीं हुई उसको प्रिपेयर कैसे करते हैं वो नहीं आया फ्यूचर की बात नहीं हुई ये हम हॉलिडी कर चुके हैं ठीक है अभी उसके बाद स्प्लिट लोकेशन नहीं बात हुई सुपर सीडेड न्यूज पेपर की नहीं बात हुई गेटिंग द न्यूज पेपर टू रिलेटेड टू रोबोज वर्किंग टूगेदर सो दैट इज द आंसर सो क्विक इट इज दिस इज द वे टू डू द टास्क दिस इज द वे हाउ फास्ट आपका कितनी जल्दी ये काम हो सकता है नाउ सपोज जी देखो बहुत छोटा पैराग्राफ है अब इसमें मैं क्या पढ़ू जी पैराग्राफ है द क्वेश्चन न्यूज पेपर वर्कर्स मस्ट नाउ आज अब वो पूछना चाहते हैं हाउ लॉन्ग विल विल इट बी बिफोर द रोबोस आर राइटिंग और विल की बात है और वो कह रहे हैं लेटेस्ट एडिशन जो है वो टेक्नोलॉजी से साथ रिलेट किया हुआ ल की बात है तो ऑब्वियसली फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं जो लास्ट वाले पैराग्राफ्स होते हैं वो फ्यूचर से रिलेटेड होते हैं और ये आपका आंसर लुकिंग हेड हम आगे का सोच रहे हैं कि कितना टाइम इसको लगेगा कि रोबो जो है वो दे आर आल्सो राइटिंग द न्यूज़पेपर्स प्रिंटिंग सेंटर भी खुद ही चला रहे हैं और लेटेस्ट एडिशन हमें हर मही हर मंथ जो है हर मॉर्निंग जो है वो मिल रहा है सो लुकिंग हेड इज द राइट आंसर विदाउट एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन फ्यूचर से रिलेटेड जो भी होगा ना उसको लास्ट पैराग्राफ के लिए रख लेना दिस इज दिम्पलेस्ट वे गाइज आपको कभी ऐसी चीज समझ में अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो आज वो सॉर्ट आउट हो चुकी होगी ऐसा टास्क अगर कल आ जाए तो आपके लिए सीरियसली बहुत ही आसानी वाली बात होगी सो काइंडली इसको ध्यान से करें अच्छे से करें एंड लाइक द विडियो बिकॉज आई नो की ऐसे टिप्स आपको जल्दी मिलने नहीं वाले कहीं पर डू इट लाइक इट शेयर इट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ताकि उनका भी भला हो जाए ठीक है ऑल देस्ट फॉर यू टूमारोज एग्जाम टेक केयर एवरीमान बाई